वेलकम गाइज, जीके एम्स क्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एम्स क्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स यानी कि हमारा जो भौतिक विज्ञान होता है उसके एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछला जो वीडियो था उसमें हम बायोलॉजी केमिस्ट्री डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए डिमांड थी स्टूडेंट की। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़, स्टील। वन ऑप्शन आपको चूज कर लेना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। अधिक प्रत्यास्थ, सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टील, जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, अगला है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? द्रव्यमान, आवेगी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, संवेग बल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चूज कर लिया होगा वैसे आपने, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है और हम सब भी इसी बल के कारण धरती से बंधे हुए हैं। ठीक है, नहीं तो कब के नीचे गिर जाते हैं। पृथ्वी इस प्रकार गोल है, अगर हम यहाँ रहते तो इसलिए तो नहीं गिरते, नहीं तो इधर गिर जाते, गुरुत्वाकर्षण छोड़ दे तो इसके कारण हम बंधे हुए हैं। ठीक है, चलते आगे को। और गाइस जिसको इंग्लिश में चाहिए ना, इंग्लिश के लिए भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट वो अलग चैनल पे जिसका नाम है जेके लोन जॉब। ठीक है, जो कि आपको जॉब दिला के छोड़ेगा, जेके लोन जॉब, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/5। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/6, यानी कि चंद्रमा पर कितना ग्रेविटी है, 1/6 यानी कि 6 गुना वहाँ पर कम है। तो यानी कि कोई भी उछलेगा तो धीरे से उछलेगा और वापस आएगा तो धीरे से आएगा, क्योंकि 6 गुना कम है अर्थ के हिसाब से कंपेरिजन में। ठीक है, पृथ्वी के कंपेरिजन में। अगला सवाल है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, पलवन का नियम, इनमें से कोई नहीं। आर्किमिडीज का, सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पलवन का नियम से संबंधित है। अगला सवाल है, श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई किसको मेजर कर, किस चीज़ में मेजर करते हैं श्यानता को? पवाइज में, पाइजुली में, पास्कल में, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉइज में। चलते आगे की ओर। अगला सवाल है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? घर्षण, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चाबी ब्रिगड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा? चाबी ब्रिगड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है गाइज? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिक के विखंडन द्वारा, या फिर आयनन द्वारा, या फिर नाभिक के संलयन द्वारा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर जगह पूछा जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नाभिक के संलयन द्वारा। ठीक है, नाभिक के संलयन हो रहा है तभी हमको एनर्जी मिल पा रही है सन से, नाभिक के संलयन की प्रोसेस के थ्रू। देखो, आपको पता है कि नाभिक के संलयन होता है या फिर विखंडन होता है, टूटता है तो ऊर्जा मुक्त करता है गाइस, तो वहाँ पर संलयन हो रहा है इसलिए ऊर्जा मुक्त हो रही है और हमारी धरती पर उजाला हो रहा है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? दाब, घनत्व, ताप, वेग। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घनत्व यानी कि डेंसिटी। चलते आगे को, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, भार। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका घनत्व। मात्रा बदल लो बट उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, अपरिवर्तित रहती है। चलते आगे को, अगला सवाल है,
जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण पॉसिबल है? गाइज मैंने आपको रिकमेंड किया था कि न्यूटन के तीनों गति के नियम को अच्छी तरह से याद कर लेना, कौन सा कहाँ यूज होता है और दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है, ये तो आपको पता है, रखना है, क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पूछ लिया कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सभी। तो जिसको पता होगा कि प्रथम नियम क्या बतलाता है, द्वितीय नियम क्या बतलाता है और तृतीय नियम क्या कहता है, तो उसको तो 100% इसका आंसर आ जाएगा। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम, क्योंकि प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये कहता है न्यूटन की गति का थर्ड नियम, और इसी नियम के हिसाब से हमारा रॉकेट भी उड़ता है। कोई भी चीज़ें यानी कि हम जिसको धकेलते वही उतने बल से हमको धकेलता, जैसे कि किसी गेंद को दीवार पे मारना, ठीक है, रॉकेट का उड़ना आपने देखा होगा ना रॉकेट, तो वो भी किस कारण से ऊपर उड़ता है, रॉकेट किस कारण से ऊपर चलता है, तो आपने देखा होगा वो नीचे धुआं छोड़ता है, यानी कि नीचे बल लगा उसी हिसाब से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? मैंने रिकमेंड किया था सदिश और अदिशों का, देख लेना कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए सदिश है और कौन कौन सी अदिश है। सदिश अदिश तो जानते हैं ना, सदिश यानी कि जिसमें दिशा होती है, अदिश यानी कि जिसमें दिशा नहीं होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें दिशा नहीं होती है, बट कुछ ऐसी है जिसमें परिणाम के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो वही आपको बताना है। वेग, आयतन, विस्थापन, बल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आयतन, ठीक है, चलते आगे को। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंगदैर्ध्य, आवर्तकाल, आवर्ति, समय। एंगस्ट्रम क्या मापता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तरंगदैर्ध्य, ठीक है, एंगस्ट्रम क्या मापता है, तरंगदैर्ध्य नापता है गाइस। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? सेल्सियस, जूल, डेवी, इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डेवी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो हम सारे करवा रहे, बायो के भी करवा रहे, आपके केमिस्ट्री के और पीजी का एमआर चल ही रहा है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष परिणाम सबसे पहले किसने दिया? सेल्सियस, डेवी, जूल, रामफोर्ड। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रामफोर्ड, ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? श्यानता, गुरुत्वीय त्वरण, पृष्ठ तनाव, इनमें से कोई नहीं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? सो आपने भी टिक लगा दिया होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ तनाव, यानी कि सतह पर कुछ लेयर होती है उसके कारण तैरते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? किस द्रव का घनत्व डेंसिटी सबसे कम है? मरकरी का, पेट्रोल का, स्वच्छ जल का, या फिर नमकीन जल का? सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है, चलते आगे। एक होर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर जगह पूछा जाता है और बॉसों को तो पता भी नहीं होगा कि एक होर्स पावर, ठीक है, आपने देखा होगा ना बॉस ही जगह लिखा रहता है 1 HP, HP का मतलब होर्स पावर होता है ना, तो इसमें कितने वाट होते हैं, यानी कि कितने वाट के बराबर होता है, इनको क्या बोल सकते हैं वाट में? जिसको ये सवाल आ गया बहुत बहुत धन्यवाद, उसको वेरी वेरी गुड दूंगा मैं एक तरह से, और आ भी गया होगा बहुत सारों को। 1 HP मतलब बचपन में सबने पढ़ा होगा 746, ये तो बचपन का याद होगा सबको, 746 वाट होते हैं, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 746 वाट। तो इसको ऐसा ना लिख के कंपनी वाले बहुत सी चीज़ों में क्या लिख देते हैं, 746 की जगह
1 HP लिख देते हैं, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि 746 वाट की चीज़ है, ठीक है। अगर 2 HP की है तो कितना होगा उसका बताइए। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर लो इसको 746 को 2 से, तो 2 HP का हिसाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सी जगह HP लिखा होता है ना, उसका मतलब हॉर्स पावर होता है, और आपकी ट्यूबवेल्स हो गई, इनकी क्षमता हॉर्स पावर में होती है, ठीक है ना। आपके बल्ब बल्ब तो सिंपल होते हैं 100 वाट के, 50 वाट के, तो नॉर्मल है, बट जो ट्यूबवेल्स होती है, मोटर होती है, मोटर पंप होता है, ये हॉर्स पावर में दिए जाते हैं, इनकी वाट इनकी शक्ति, ठीक है। कितना ये खर्च करते हैं पावर, चलते आगे और। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेग संरक्षण पर, और इनमें से कोई नहीं। सो गाय जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ गाइज, और ये चैनल आप सपोर्ट करते रहेंगे तो और भी अच्छे अच्छे आपको मिलते रहेंगे इसी प्रकार, और आपकी तैयारी वैसे हो जाएगी, जॉब तो आप लग ही जाओगे। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। हर जगह काम आएंगे ये क्वेश्चन, आप ज़िंदगी में याद रखोगे, हर जगह हर मोड पे आपके साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम दो हर जगह मिलेंगे सवाल। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, जिस जिसको पता होगा बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ भी चुके थे हम कि दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिस जिसको पता नहीं है तो वीडियो 2 से 3 बार देख लेना, ये पनिशमेंट है। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, या फिर अपवर्तित रहेगा। प्रेशर बढ़ा रहे हम बर्फ़ पे, तो उसके गलनांक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टिक तो लगा दिया होगा हमने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि अपोजिट होता है। आप दाब बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो ये इधर क्या हो रहा है, गलनांक आपका घट रहा है, ठीक है। चलते आगे को, अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट बहुत सारे स्टूडेंट 50% बच्चों वाले क्वेश्चन को ही गलत करके आते हैं, एक्साइटेड होके, पता नहीं, ध्यान नहीं जाता ना कि नॉर्मल क्वेश्चन है, और कहीं भी टिक मार देते, क्योंकि वो एग्जामिनर होता है ना, वो ऑप्शन ऐसे सेट करता है कि वो बच्चा कंफ्यूज हो। तो ऐसे जो ईजी क्वेश्चन होते हैं थोड़ा ध्यान रखना उसमें, कहीं आपको फंसाने की साजिश तो नहीं है उस क्वेश्चन में, तो ये आपको रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं एग्ज़ाम टाइम पे एक्साइटेड होके टिक मार के आ जाते हैं, ये तो हमको आ रहा है, जब घर पे आते हैं पता चलता है कि वो तो गलत गया यार। तो ये गलती आप ना करें, क्वेश्चन ईजी है, इसका मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है, देखना है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पूछा है, बट यहाँ पर कंफ्यूज आपको कर सकता है, जैसे यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है, बट वहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ये भी देगा 98 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा ऑप्शन में आपको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कंफ्यूज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, कंफ्यूज, अब बहुत सारे कंफ्यूज इसमें टिक कर देंगे, मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, और उधर ऑप्शन में 98 पॉइंट कुछ करके इधर टेम्परेचर का मापन चेंज कर देंगे, ठीक है, और बहुत से में 37 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देंगे, ठीक है, और बहुत से में हमारे यहाँ पर 37 डिग्री और उधर पैमाना यहाँ पर लिख देंगे, तो बहुत सारे कंफ्यूज ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर से ऐसे सेट करता है। तो आपको पीछे का मात्रक भी देखना है, फ़ारेनहाइट में क्या अंतर होता है, सेल्सियस में क्या अंतर होता है, और भी मेजर करने के तरीके होते हैं इनको, टेम्परेचर को, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर सेट कर देंगे। तो बता दो इसका तो राइट ऑप्शन, यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ऑप्शन ईजी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इतना होता है हमारा, पॉइंट में कुछ 6 मान सकते हो आप, इतना हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो कि यही बना रहता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, बट हमारे शरीर का तो टेम्परेचर यही रहता है एक जैसा, ठीक है। और आपको पता है कि ज़्यादा होने पर तो बुखार आ जाता है, ठीक है, और इसे कम गया तो हाइपोथर्मिया हो जाता है। और बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनका शरीर का तापमान वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जैसे कि आपका सांप हो गया, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सही देखा आपने, तो सांप हो गया, आपकी छिपकली हो गई, ठीक है, इनका टेम्परेचर क्या होता है वातावरण में, जैसे मान लो सर्दियों में 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो इनका भी तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और छिपकली का तापमान भी 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और मक्खी मच्छर होते हैं ना, मच्छर मक्खी जो आपको अभी बारिश में परेशान कर रहे होंगे, तो उनका भी टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें सर्वाइव नहीं कर सकती, इसी कारण आपको सर्दियों में ज़्यादा मक्खी मच्छर सांप
चिपकलियाँ नज़र नहीं आती है क्योंकि टेम्परेचर लो है, अगर ये बाहर आएंगे तो मर जाएंगे। बट इंसान तो घूमते रहते हैं क्योंकि उनका नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, ये बनाए रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलता है एक और। उस्मा का सबसे अच्छा चालक, उस्मा का चांदी सोना तांबा एल्यूमिनियम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चांदी। उस्मा का अच्छा चालक। निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता अधिक है? उष्माधारिता बेंजीन की, जल की, स्वर्ण का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका, थोड़ा सा क्लिक हम कर लेते हैं इसको। सो गाइज राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जल, वाटर। ठीक है, इसकी उष्माधारिता जो है ना वो अधिक होती है। चलते आगे की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वाला पैदा होता है? बाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें, ये सभी। अधिक ज्वालक पैदा होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कितने अच्छे क्वेश्चन है गाइज, आई लव क्वेश्चन, कितने सुंदर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तांबे में, शीशे में, जल में, कांच में। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जल, वाटर, इसमें होता है। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन फिर बच्चों वाला आ गया कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि चांदी है, सिल्वर है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? सवहन, विकिरण, चालन, प्रकीर्णन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सवहन। निम्नलिखित द्रव में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इतर, बेंजीन, पारा, पानी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पारा, मरकरी। ठीक है, चलते आगे की ओर। ठोस से द्रव में पदार्थों के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? वाष्पन, गलन, कवतन, इनमें से कोई नहीं। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन गलन, गलन बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ ठोस से द्रव में हो रही, यानी कि गल रही हो, ठीक है ना, तो गलन आप याद रख सकते हो। वाष्पन यानी कि किसी चीज़ का द्रव से गैस में बदलना, यानी कि उसका वाष्प हो रहा है। चलते आगे की ओर। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंजिंग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उद्रूपातन। ठीक है, तो क्वेश्चन वही पूछ लिया, देखो अगला। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ये तो मैंने अभी बताया था, तो सबको आ गया होगा, तो कि उसको उद्रूपातन बोलते हैं। ठोस से डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया वाष्प में। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके कवतनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किसी द्रव का उसके कवतनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन, हिमीकरण, वाष्पीकरण, इनमें से कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। ठीक है, चलते आगे और। उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है? संवेग, ऊर्जा, ऊर्जा और संवेग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा। चलते आगे और। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती रहती है, बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घटती है। ठीक है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है, सही बात है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है कैसी होती है? अनुदैर्य, अप्रगामी, अनुप्रस्थ या फिर विद्युत चुंबकीय। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुदैर्य। ठीक है, तो फिर गाइज विद्युत चुंबकीय किनकी होती है? प्रकाश की है कि नहीं, यानी कि जो निर्वात में भी गमन कर जाता है। हमारी ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो रेडियो तरंगे हैं उसको विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं, और हमारी प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
ध्वनि की चाल अधिकतम होती है जल में, वायु में, निर्वात में, इस्पात में, तो ध्वनि की चाल का क्रम पता होना चाहिए आपको। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इस्पात में। क्यों होती है इस्पात में? क्योंकि जो ध्वनि का जो क्रम है ना, सबसे ज़्यादा ये टॉस में होती है गाइस, और उससे कम द्रव में, और उससे कम गैस में, ठीक है, और उससे कम निर्वात में। निर्वात में जीरो होती है, जीरो हो जाती है। और यही क्रम अगर प्रकाश के लिए बोले कि प्रकाश की चाल किस में होती है, तो इसका उल्टा कर देना। उल्टा मतलब सबसे ज़्यादा तो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल, उससे कम फिर गैस में होती है, उससे कम फिर द्रव में होती है, उससे कम फिर टॉस में होती है, ठीक है, इसका उल्टा प्रकाश की चाल। ओके, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में गठित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में गठित नहीं होती है? ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन या फिर परावर्तन। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में गठित नहीं होती है? तो आपने भी टिक लगा दिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ध्रुवण में नहीं होती है, ठीक है। हाँ, लाइट में और साउंड में गठित नहीं होती है ध्रुवण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि आपको अच्छा दिख जाए। हमारे स्टूडेंट को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इसमें कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका परावर्तन। रेडियो का समसवरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का, अपवर्तन का, व्यतिकरण का या फिर परावर्तन का। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुनाद के कारण, ठीक है। रेडियो का समसरण आपने देखा होगा ना, एफएम तो सबने सुना होगा बचपन में, रेडियो एफएम, तो इनका अनुनाद भी चलता है वो रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जैसे आप मैच करवाते हैं, बोलते हैं ना 92.7, 95, तो आप इधर से सेट करते वो अनुनाद, जो कि उससे मैच कर जाता है और नेटवर्क आ जाता है, ठीक है। चलते आगे को। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? मुद्रा, प्रचलन, मनोवैज्ञानिक ध्वनि, जनसंख्या। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि से, ठीक है। ध्वनि से समुद्रों में पता होगा पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए। और 120 क्वेश्चन है हमारा, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि तरंगे, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और हमारा जो जेकलोन जॉब चैनल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो गाइस, जेकलोन जॉब चैनल को फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।